सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। एंड कुछ प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे जो मेकअप के थे, तो मैं दिखा नहीं पाई थी, कुछ दिन पहले ही खरीदा था। एंड जो और भी मेरे पास है वो भी मैंने सोचा कि आज एक ब्लॉग बना देते हैं एंड आप लोगों से शेयर करते हैं कि क्या मैं लगाती हूँ। तो अभी तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, थोड़ा गर्मी लग रहा है क्योंकि आवाज़ मेरा आप तक पहुँच नहीं पाता जब मैं फ़ैन ऑफ नहीं करती। सो अभी देख सकते हैं कि मेरा फेस इस तरह का है। और आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि नेचुरल फेस है क्योंकि मैं मेकअप वगैरह नहीं लगाती हूँ, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ मैंने सिंदूर लगाया है अभी और बस, कुछ भी नहीं किया है, ना आईज़ पे किया है और ना ही फेस पे किया है। तो इस तरह का है एंड फटाफट रेडी हो जाते हैं, तो रेडी हो लेते हैं नहीं तो हो जाएंगे लेट। तो जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी ना आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। सो वैसे चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। एंड मैं अभी कुछ भी यूज़ नहीं की हूँ, अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। तो मैं सबसे पहले सनस्क्रीन यूज़ करूँगी और ये सनस्क्रीन आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब करीबन हो गया है 3 मंथ हो चुके हैं और इतना छोटा पैक 3 मंथ हो चुका है तो बहुत है। और ये है, नेम वगैरह लिखा हुआ था वो भी चला गया है क्योंकि हाथ से पकड़ के ऐसे लगाने पर ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो इसका नाम मुझे ऐसे पता है, सनबर्न है, सनबर्न करके नाम है, SPF 31 है जो कि मैं 31 यूज़ करती हूँ। क्या है SPF 31, चलिए लगा लेते हैं इसको, बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई देख सकते हो कि लगाने के बाद थोड़ा सा ना हेयर फेयर हुआ है, इसमें अच्छा खासा ग्लो कर रहा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और ये प्राइमर आप लोग देख सकते हो कि मेरा बहुत दिनों का है, मतलब आज का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दिनों का है। ये एसवीएस ब्यूटी प्राइमर ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस का है, तो इसे मैं यूज़ कर लूँगी। इसे मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, इसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, बट हाँ अभी आप लोगों के साथ करती हूँ और जब हमें कहीं जाना होता है ना तभी मैं यूज़ करती हूँ। और प्राइमर यूज़ करने के बाद करीबन 5 से 10 मिनट तक हमें अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है, उसे ऑब्जर्व होने देना है। जैसे प्राइमर हमारा ऑब्जर्व हो जाएगा उसके बाद ही कोई भी क्रीम्स वगैरह यूज़ करेंगे जो भी आपको लगाना होगा। और मैं ये वीडियो में कुछ खास दिखाने वाली हूँ जो मैंने खरीदा है और बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अभी करीबन 3 से 4 मंथ तक मैंने यूज़ किया है, लगातार तो नहीं बोल सकती बट यूज़ किया है, लगातार करने वाली चीज़ भी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी जैसे जैसे मैं कर लेती हूँ मेकअप ऐसे। तो 10 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ उसके बाद। और अभी मैं सिर्फ सिंपल सा चोटी कर लिया है, पोनीटेल किया है और कुछ भी नहीं किया है क्योंकि सिंदूर तो लगाना था जो, और फिर बाल बिखरा बिखरा सा रहता है तो अच्छा नहीं। अभी मैं बाल को करूँगी सेट, बस सेट क्या एक मतलब थोड़ा सा, मैं जब भी करती हूँ ना, मैं कहीं जाती हूँ, मेरा मतलब खुद का है कि जब भी जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बाल एकदम सिल्की हो और खुले खुले से हो। ऐसा नहीं कि मैं बांध के कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, खुले खुले से रहते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं अभी इसे खोलूँगी बट अभी मेकअप वगैरह कर लूँगी इसके बाद। रियल मेकअप बेस और ये है हाइलाइटर प्राइमर, जैसे ये प्राइमर मैंने यूज़ किया ये हाइलाइटर प्राइमर दोनों हैं, तो मैं इसे अभी ही अप्लाई कर लूँगी क्योंकि जो भी हाइलाइटर जो होता है ना एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा होता है, चमकीला होता है, जो एक्स्ट्रा होगा ना फिर उसके बाद वो सो गाइस देख सकते हो कितना मैंने लिया है और इसे मैं टैप टैप कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें ना मैं अपने हैंड से मतलब फिंगर से ही इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं ब्रश तो मेरे पास है बट मैं इसे यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो गाइस देख सकते हो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते जाएगा हमारे फेस पे और उसके बाद एक बार तो बहुत ही खूबसूरत सा बन जाता है। तो मैंने लगा लिया है बेस प्राइमर हाइलाइटर ये, और ये इस तरह से पैकेजिंग आता है, ये प्रॉपर ग्लास का है और इसे मैं ध्यान से केयर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसे ना जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना सनस्क्रीन वगैरह वो कहीं पर भी फेंक दो तो चलता है, बट इसे आप जहाँ से मतलब उठाते हो वहीं पर रखो नहीं तो ये डैमेज हो सकता है फिर उसके बाद किसी काम का नहीं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सो मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया है और अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ जी गाइस
इसका मैंने कवर निकाल दिया। सो गाइस ये है और इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तभी इसे वाटर प्रूफ है फाउंडेशन, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बेटर है। जब हमारे फेस को पानी वानी से गिराना होना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उतना ज़्यादा जैसे आप 2-4 घंटे के लिए तो ठीक है, बट ज़्यादा 10-12 घंटे यूज़ करना है, 24 घंटे यूज़ करना है तो ये उतना काम नहीं करता है। बट हाँ 3-4 घंटे काम करता है अच्छे से। और इसे मैं पहले तो अपने हाथ से जैसे चारों तरफ कर लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी। मैंने अभी हाथ से कर लिया है, थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया है एंड अभी मैं करूँगी ब्रश से। और जब भी हमें ब्रश भी खरीदना है ना तो ब्रश का भी ख्याल रखना है कि हमें क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हमारे पास ब्रश भी आते हैं मेकअप ब्रश, तो उन चीज़ों का भी मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। नहीं देने पे वो फिर वेस्ट हो जाते हैं या फिर अच्छा काम नहीं करता है। तो आई थिंक मैं बता पाऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोग को दिख रहा है। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, जितना मेरे फेस के लिए है ज़रूरी उतना ही मैं यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा मैंने हैंडल ऑफ कर रखा है, इस वजह से मेरे फेस पे थोड़ा लाइट जैसा लग रहा है, मतलब पसीना पसीना जैसा हो रहा है। यहाँ पे अभी मैंने लगा लिया है फाउंडेशन प्राइम वाटर प्रूफ, तो अब उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगा लूँगी। सो गाइस कॉम्पैक्ट में कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बस अभी पॉन्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। इससे क्या होता है थोड़े से जो फेस है ना वो ड्राई होते हैं हमारे और फिर अच्छा लगता है। अभी फेस अजीब सा लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, कोई नहीं। अभी हमारा ये मेकअप कुछ हद तक हो चुका है और इसके बाद अभी मैं मुझे करना है आई मेकअप एंड लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें करनी है। फेस देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले लिपस्टिक यूज़ करूँ। वैसे तो नहीं करना चाहिए, जब फेस मेरा अच्छे से मेकअप हो जाता है तभी करना चाहिए, बट लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। और अभी मैं कोई हाईलाइटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिर कैमरे में क्या होता है ना हाईलाइटर बुरी तरह से दिखने लगता है। और ये हो चुका है, सो बिंदी मैंने अभी नहीं लगाया। तो हो चुका है करीबन कुछ कुछ चीज़ें हमारी, बट कई से जो मुझे दिखाना था वो फाइनली मैं अभी तक नहीं दिखाई हूँ। तो इस मैंने मास्क का खरीदा है, ये आई शैडो पैलेट, सो आप लोगों ने सो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा ये मास्क का आई शैडो पैलेट। और ये करीबन मैंने 3 महीना पहले खरीदा है, शादी में खरीदा था, तो उस टाइम यूज़ नहीं मतलब यूज़ तो किया था बट उसके बाद आप लोगों को दिखाने का कभी मौका मिल नहीं पाया। और शादी में तो शादी अटेंड किया था, शादी में फंक्शन होते हैं फिर सारी चीज़ें मेकअप वगैरह मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। तो ये है मास्क का आई शैडो पैलेट, ये बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देखोगे। बट हाँ इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ पूरी तरीके से बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही वाव है, गजब है, क्या बात है, सारी चीज़ें इसकी मतलब ये बहुत अच्छे से मतलब इस पर ना कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई जो बहुत ही प्यारी लगी। चलिए इसे ओपन करके मैं दिखाती हूँ। और ये बहुत ही सेफली आया हुआ है, देख सकते हो इस तरह का एक पैकेट में आया हुआ है, उसके बाद कार्टून में भी आया हुआ था और इसके अंदर भी अभी अच्छे से सेफली आया हुआ है। इसका पैकेट जो पैकेजिंग किया हुआ था ना वो बहुत अच्छे से है, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मेरा तो फट चुका है और मेरे साथ बच्चा भी है तो मैं जब भी करती हूँ तो वो भी छेड़छाड़ करता है, तो इस वजह से भी। तो यहाँ पर मैं अभी ओपन करती हूँ और देख सकते हो बहुत ही चमकदार है, ये गोल्डन गोल्डन शेड में बना हुआ है, बहुत ही इसकी प्राइस में भी आप लोगों को शेयर करूँगी। ये लॉन्च करीबन 2 साल पहले हो चुका था बट अभी भी इसका बहुत ज़्यादा है, अभी ज़्यादा ही निकला हुआ है मतलब ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये है। और इसे ओपन करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। सो गाइस मैंने जब यूज़ कर लिया है तो थोड़ा तो आप लोगों को चेंजिंग मिलेगा, फर्स्ट टाइम जैसा लुक नहीं मिलेगा बट देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा, सच में इसे ही मुझे दिखाना था आप लोगों को और ये सच में बहुत ज़्यादा। और इसका जो शीशा आप लोग देख सकते हो पहले तो मैं बताऊंगी, बट शीशा इसका बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है एंड ये जो है ना लेदर जैसा इसका पूरा लुक है, मतलब लेदर ही बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो रखा है। और आपको दिखाते हैं, और ये आई शेडो इसकी इतनी ज़्यादा कलर है ना, तो 53 कलर्स हैं और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें आप जो भी कलर ढूंढो ना वो कलर फटाफट मिल जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2-4 पैलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही पैलेट में सारा मिल जाने वाला है और प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं इसे पहले आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे करके लगाती हूँ ना, बहुत अच्छे से लगेगा यहाँ पे।
आप देख सकते हो ये मैंने लगाई है, अब मैं लगाने वाली हूँ गोल्डन, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है एंड मैं इस हेयर में भी मैं सोच रही हूँ कि ग्लिटर यूज़ करती हूँ। और ये मैं बस 5 मिनट में लगाऊंगा, तब मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा है, करीबन 5 मिनट भी नहीं लगा है और ये इस तरह से दिख रहा है, तो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड मेरे कलर से भी मैच कर रहा है। जो भी मतलब कलर थे ना इसमें 63 कलर थे, बट बहुत अच्छा है, आप जो भी कलर यूज करना चाहें ना, जैसे हम लोग कभी भी मैं भी अभी यूज की हूँ ना, तो दो कलर मिक्स करके एंड फिर ग्लिटर यूज करूँगा तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। सो ये ग्लिटर यूज कर लिया ना, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आप लोग को फ्रंट कैमरा से भी दिखा रही हूँ और अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो आप लोग को और अच्छे से क्लियरिटी आ पाएगा। सो गाइस ये आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर देना एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी ये कौन सा मैंने मतलब यूज करती हूँ, बहुत दिनों से यूज करके करीबन 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये बहुत ही फटाफट और बहुत ही स्मूथली काम करता है। चलिए वो तो मैं दिखाऊंगी बाद में, बट इसे आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, इसका लिंक बोलोगे तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगी और ये बहुत ही अच्छा है, यूजफुल है और आप लोग के साथ जब भी मैं ट्यूटोरियल करूँ वीडियो करूँ ना तो ये जरूर आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर खरीद लिया और सारे कलर में, तो अभी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे मुझे अभी आईलाइनर लगाना है। सो गाइस मेरा फाइनल लुक ये है और कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना, और यहाँ पे मैंने अभी आई शेडो नहीं लगाया है तो मैं सोच रही थी कि आईलाइनर पहले फिक्स कर लेती हूँ उसके बाद लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ ऑनली पिंक कलर, क्योंकि पिंक कलर मुझे अच्छा लगता है और चेहरे पे पिंक कलर होना तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने अपना पूरा लुक क्रिएट कर दिया है और इससे ज़्यादा मैं कुछ करूँगी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, और एक बार मैं और कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी एंड हाइलाइटर यूज़ करूँगी, बट अभी नहीं, सबसे पहले तो मैं ये यही अभी लगा लेती हूँ अपनी ईयर में। रेडी कर लेते हैं ना तो फिर कहीं पर भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें फिल्टर यूज़ करना है, हल्के होती है मतलब फिल्टर में वो यूज़ नहीं, एडिटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता और ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अभी मैं लगा लेती हूँ फिर से लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक किसी का है मैंने इसलिए मैं नहीं बता पाई हूँ, तो ये लिपस्टिक है स्विस ब्यूटी का, यहाँ पे अभी तक है और मैं एक यूज़ कर रही हूँ, दो भी यूज़ कर रही हूँ, जो भी मैं कलर यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ, बट अब ये मिल नहीं रहा है, ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन मैंने देखा तो थोड़े बहुत से हैं, तो अब मैं चेंज करना चाहती हूँ, सोचा कि कुछ और लेंगे, नाइकी का कुछ लिया था बट वो मुझे इतना सूट नहीं किया, मैं जितना स्विस ब्यूटी का पसंद करती हूँ, तो चलिए आगे मिलेगा तो आप लोग को दिखाऊंगी और आगे जो भी खरीदूंगी दिखाऊंगी, तो अभी का यही, और आप लोग को ये लुक कैसा लगा आप लोग जरूर बताना, और अच्छा लगा तो आप लोग कभी भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे करते हैं ये, डेली भी कर सकते हो एंड आप लोग ऐसे भी कभी भी कर सकते हो, आप लोग बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अभी मैं जा रही हूँ थोड़े कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी एंड लुक मेरा तो परफेक्ट हो चुका है एंड मैंने मंगलसूत्र भी लगा लिया, इसे भी मैंने मंगवाया था ऑनलाइन तो आप लोग साथ शेयर किया था। चलिए इस वीडियो को यही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।